हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वन रियल नंबर्स के अंदर नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। डेफिनेशन देखते हैं। इरेशनल नंबर हम किसे कहेंगे? अ नंबर एस इज कॉल्ड अन इरेशनल नंबर। अगर नंबर एस को हम इरेशनल नंबर कहेंगे, इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि अगर कोई इरेशनल नंबर हमने लिया, सपोज कि एस, वो एस ऐसा हो कि जिसको हम p ओपन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसा p ओपन q जहाँ पे q क्या हो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो को छोड़ के और कोई भी नंबर्स q की जगह पे हो, ऐसा p ओपन q का फॉर्म में हम नहीं लिख सके, उस नंबर को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो डेफिनेशन है इसको इजी वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो इरेशनल नंबर्स के जैसा ही एक दूसरा नंबर है रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी नंबर्स को आप p ओपन q फॉर्म में लिख सकते हो, राइट, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो सभी नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अगेन आई रिपीट, लिसन केयरफुली, ऐसे नंबर्स कि जिसको आप p ओपन q फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसे नंबर्स कि जिसको मैं p ओपन q फॉर्म में लिख सकूँ, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे p की जगह पे अगर मैं 5 लूँ, तो 5 के डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 लेता हूँ, तो ये 5/2 जो है इसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ज़ीरो को छोड़ के और कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो इस टाइप का जो नंबर होगा उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। और जिस नंबर को हम p ओपन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। एज अ एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, √2, √3, √5, √7, π, 0.10, 1001000, 1000, 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
यहाँ पे पाई लिखा है तो पाई की वैल्यू की बात हो रही है, जो आप स्टैंडर्ड 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। वो पाई की जो वैल्यू है वो भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसका उसको आप पी ओपन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप ये जो रूट वाली जो नंबर्स है उसको आप जरा ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये सभी प्राइम नंबर है, ठीक है। 2, 3, 5, 7 ये सभी कैसे नंबर्स है? प्राइम नंबर्स है। तो उसी के को उसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट बात देखें। इफ़ पी इज़ अ प्राइम नंबर देन रूट पी इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर पी जो है, पी की जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। पी इज अ प्राइम नंबर देन, अगर पी प्राइम नंबर हुआ, नेचुरल नंबर नहीं लेकिन हमें कौन सा नंबर लेना है? प्राइम नंबर। अगर पी इज एन प्राइम नंबर देन रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर उसी प्राइम नंबर को आप अंडर रूट में लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आपको पढ़ना है थ्योरम 1.3। ये थ्योरम 1.3 का जो सेंटेंस है वो आपको समझ के याद रखना है। थ्योरम 1.3 के अंदर हमें कहा है, लेट पी इज अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर देन पी डिवाइड्स ए,
where a is a positive integer. यहाँ पे थियोरम 1.3 हमें ये कह रहा है कि अगर हम p ऐसा ले जो कि एक प्राइम नंबर हो, मतलब कि हम एक प्राइम नंबर ले p जो a स्क्वायर को डिविजिबल हो, मतलब a स्क्वायर को हम p से डिविजिबल कर सकते हैं, तो हम उस p से a को भी डिविजिबल कर सकते हैं। मतलब इजी शब्दों में कहूँ तो हम ऐसा कोई प्राइम नंबर ले, वो प्राइम नंबर हमने लिया p, तो मैं p कहूँगा ऐसा p जो s a स्क्वायर को, a स्क्वायर जो p से डिविजिबल होगा, तो वो a स्क्वायर को अगर हम सिर्फ a लिखेंगे तो a जो है वो भी p से डिविजिबल होगा, जहाँ पे a जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई वैल्यू जो है, सपोज़ कि यहाँ पे a की जगह पे आपको 5 दिया हुआ है, राइट, सपोज़ कि a की जगह पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, राइट, तो अगर 25, 5 का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 5 है वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये आपको यहाँ पे समझना है, और ये सेंटेंस स्टेटमेंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाई p, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। इसका यूज़ हम क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए, सम सॉल्व करने के लिए हम करेंगे। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है, जिसके अंदर हमें कहा है प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल। मतलब कि यहाँ पे हमें √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो वैसे हमने अभी ऊपर देखा थियरी के अंदर कि √3 इज अ इरेशनल नंबर, लेकिन यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि वाई √3 इज अ इरेशनल। तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ले लेंगे कि √3 जो है वो रेशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल। ठीक है, हम यहाँ पे ये अज्यूम कर लेंगे कि √3 जो है वो रेशनल नंबर है। और मैंने अभी आपको बताया कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। रेशनल नंबर्स को हम पी ओपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर √3 इज रेशनल नंबर है, तो मीन्स कि √3 इज इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं, √3 को कोई सिंबल हम दे सकते हैं ए। और अगर वो रेशनल नंबर है इसको, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, उसको मैं लिख लेता हूँ बी, राइट। तो √3 को मैं p ओपन q के फॉर्म में, मतलब कि a ओपन b के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, जहाँ पे a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 1। ठीक है, तो मतलब वही हुआ ना कि ये मतलब √3। ठीक है, नेक्स्ट b को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b √3 इज इक्वल टू a। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर आप यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, बी √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर बी के साथ भी होगा बी स्क्वायर, और √3 के साथ भी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। सो √3 स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमें मिलेगा यहाँ पे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये जो हमें फॉर्म मिला
यहाँ पे मैंने आगे आपको बताया कि a क्या है, रूट थ्री है, मतलब a स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे 3 हो गया। b की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब b स्क्वायर होगा तो भी वो वैल्यू n की 1 ही रहेगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे 3 इंटू बी स्क्वायर है, मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो। a हमने 3 a यहाँ पे b हमने 1 है, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, दोनों का दो ही फैक्टर है, एक 1 दूसरा वो नंबर खुद, इसका मतलब a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो हमने आगे थ्योरम 1.3 में पढ़ा कि अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। तो यहाँ पे a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये होगा बाय थ्योरम 1.3, इसका मतलब ये होगा कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 ठीक है। यहाँ पे अगर a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा तो थ्योरम 1.3 के मुताबिक a जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, मतलब रूट 3 जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आगे हम लिखेंगे, ये हमारा पहला पार्ट ख़त्म हुआ। अब हमें प्रूव करने के लिए हम दूसरा पार्ट को समझेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। अगेन हमने जो आगे किया था उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। इस इंटीजर c के लिए हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 3c लिखेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो हमारे पास पहले से आगे दी हुई है। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a, तो यहाँ पे a की जगह पे हम b रूट 3 लिखेंगे। b रूट 3 इज इक्वल टू 3c। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे मिलेगा हमें b रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3c होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 3 c स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 3c स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे b स्क्वायर का जो फैक्टर्स है वो 3 इंटू सी होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, ऐसा हमने मीनिंग समझा। तो यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा कि b स्क्वायर जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि हमने आगे देखा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। एंड
अगर बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी भी 3 से डिविजिबल होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम 1.3 कि बी जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हम क्या समझेंगे, देयरफोर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है उसका भी वो भी डिविजिबल बाय 3, बी है वो भी डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ए और बी दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा, कौन सा, 3। हमने यहाँ पे ए और बी को क्या लिया है, तो रूट 3 को हमने ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, रूट 3 को हमने ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा है। और दोनों का, दोनों अगर 3 से डिविजिबल हो गए तो इसका मतलब क्या निकलेगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी आर को प्राइम, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एंजप्शन दैट रूट 3 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्स इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन रूट 3 तो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे फिर से हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, देयरफोर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे ए एंड बी दोनों का एटलीस्ट 3 एक ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया ए और बी के अंदर ए क्या है तो रूट 3 है, बी क्या है तो 1 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू तो 1 हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, ठीक है, और 3 उसका कॉमन फैक्टर कब हो सकता है, जब बी की वैल्यू भी 3 हो, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, सो हियर दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एक्सेप्शन दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल, सो वी कैन से दैट द रूट 3 इज अ इरेशनल, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 3 क्या है, इरेशनल है। ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, ये आपको फ्रेंड्स याद रखना होगा, थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक ज़्यादा है इसके अंदर और कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करके भी याद रखना होगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थैंक यू।